तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं भरमौरी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग रहने वाला है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एक बुरी खबर से। तो यार मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे आज गाँव में मेरे दादाजी की डेथ हो चुकी है और इससे बुरी खबर तो कुछ है नहीं इस ब्लॉग में बताने लायक। और अच्छी खबर ये है कि आज है 5 अगस्त और टाइम हो रहा है इस टाइम रात के बज रहे हैं 10:15। और 5 अगस्त और 6 अगस्त को तुम्हारे भाई का बर्थडे है और बहुत कुछ मतलब सोच के रखा था अपने बर्थडे के ऊपर मैंने कि वो पर यार मिस हैपनिंग वगैरह हो चुकी है हमारे इधर गांव में। तो मतलब है तो वैसे दूर के हैं, पर दूर के तो क्या घर मतलब एक ही गाँव के हैं, तो मतलब नहीं मनाया जाएगा या फिर कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। तो मतलब आज के लिए वो आज बुरी खबर भी है और अच्छी खबर ये है कि मेरे मतलब कल मेरा जन्मदिन है, मतलब बर्थडे है। तो ये यार बताना था मैंने आपको। और टाइम इस टाइम 10:15 हो रहे हैं रात के। और दीदी हेलो, और दीदी बैठे हुए हैं बढ़िया मूवी देख रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि तुम्हारे भाई का आज 5 अगस्त को व्लॉग शूट कर रहा हूँ रात को 10 बजे और तुम्हारे भाई का 6 अगस्त को बर्थडे होता है। तो मतलब ये बर्थडे काफ़ी पहला ऐसा बर्थडे है जो सबसे बेकार रहने वाला है मेरी लाइफ का। बाकी कल के दिन में जो होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, फ़िलहाल रात के टाइम लेट हो चुका है। तो मैंने सोचा आज व्लॉग को रात को 10 बजे स्टार्ट कर दिया जाए और कल के पूरे दिन का बताया जाए कि मतलब क्या होगा, कल का दिन कैसा निकलने वाला है। क्योंकि बर्थडे मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि बर्थडे किस टाइप में मनाया जाता है और हमारा बर्थडे किस टाइप में बनेगा कल, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बर्थडे की ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब बर्थडे तो मैं नेक्स्ट ईयर भी मना लूँगा, पर दादाजी वापस थोड़ी आएंगे लौट के। और मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, हम एक ही गांव के रहने वाले हैं मतलब, और 10-12 दिन हमें ना मंदिर में मतलब आपको पता है बर्थडे की पूजा वगैरह होती है, पर मुझे वो भी नहीं करनी है और हमारे घर वालों को भी कुछ ऐसे सेलिब्रेट नहीं करना है। पर जैसे हमारे पहले बर्थडे होते थे तो हमारे बर्थडे में मतलब घर वाले जो थे वो ऐसे गाँव में मतलब जो हमारे गाँव के सभी लोग हैं उनको खाना वगैरह खिलाते थे और घर में पूजा वगैरह की जाती थी, तो इस बार वो भी नहीं करना है। तो मतलब ऐसी बात नहीं है, अगर मैं अपनी तरफ से अपने किसी और फ्रेंड सर्कल के साथ पार्टी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है और कोई ऐसी इशू भी नहीं है, घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे मुझे। पर यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो दादाजी और मतलब वो रियल दादाजी की तरह ही थे, मेरे रियल तो नहीं थे पर रियल की तरह ही थे बिल्कुल ही। और मैं उनके बारे में आपको बात बताता हूँ, जो उनका जो पोता है रियल अक्षित, वो मेरा मतलब बचपन का क्लासमेट और हमने पूरा बचपन अपना साथ में गुजारा, अभी भी हम साथ में ही होते हैं। तो मतलब ये है कि जब मैं स्कूल जाया करता था तब वो उसको छोड़ने आया करते थे और मतलब मुझे काफ़ी मतलब अभी आप रोज़ उनसे मिल रहे हो अगर किसी आदमी से और एकदम उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और आपको थोड़े दिनों में 3-4 दिन में सुनने में मिलता कि ऐसे उनकी डेथ हो चुकी है, तो मतलब काफ़ी बड़ा शॉक लग जाता है एक आप लोगों को। मतलब जिसके साथ हुआ है ना उस मेरे को, मेरे साथ हुआ है, तो मेरे को पिछले कल 4 अगस्त मतलब उनकी डेथ हुई और आज 5 अगस्त सुबह उनका देह संस्कार हुआ है। तो मतलब यही बोलना चाहूँगा कि बर्थडे तो नेक्स्ट ईयर भी हो जाएगा पर दादाजी वापस थोड़ी आएंगे यार लौट के। और बाकी बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और मतलब जब भी मैं उनके घर जाता था तो मतलब वो मुझे वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे वो अक्षित को ट्रीट करते थे, तो वही ना फिर मज़ा नहीं आएगा ना वो। और एक अब उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने मतलब अपना मन मार के और उनके लिए इतना कर सकते हैं कि कुछ भी हम नहीं करेंगे सेलिब्रेट वगैरह। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, कल जो भी होगा सिंपल नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल डे की तरह मैं अपने डे को कल कवर करूँगा। बाकी कुछ होगा तो मैं आपको बता दूँगा और दीदी से भी सुबह मिलाऊँगा मैं आपको पूरी अच्छी तरह से। तो अभी टाइम भी हो रहा है यार गाइज 10:30 लग पड़े हैं होने रात के, तो मैं भी सो जाता हूँ अब और फिर देखते हैं क्या बनता है और क्या नहीं। तो गुड नाइट यार और सुबह मिलते हैं आपको जाकर, ठीक है ना दीदी, गुड नाइट फिर। गुड नाइट। सो गाइज सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे इस टाइम 7:15। मैं आपको टाइम बता देता हूँ अपने फ़ोन में, 7:14 हो रहे हैं और आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है, 6 अगस्त है आज। और आप जब ये व्लॉग देखोगे मे बी आप 6 को भी देख सकते हो और 7 को भी देख सकते हो। तो मतलब आज एक और बैड न्यूज़ सुनने में मिली है यार सुबह सुबह उठते ही मतलब। तो आज हमारे मेरे मतलब पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे एक चाची, उनको मतलब उनकी एक डेथ हो चुकी है यार और 3 दिन तो ऐसे रेगुलर हो गए कि वो ही सुनने में मिल रहा है। तो क्या बोलूँ यार मैं, मतलब बर्थडे में कुछ और हो गया है।
और गाइज 9:20 हो चुके हैं और ये मेरा फर्स्ट बर्थडे है यार, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब एक जस्ट नॉर्मल डे की तरह हो रहा है, क्योंकि बर्थडे वाले टाइम तो आपको पता है कैसे निकलता है दिन वगैरह, और मतलब एक्साइटमेंट होती है ना अंदर से, पर वो मेरे को खुद से ही नहीं है इस बार, क्योंकि अगर आप 2 दिन अगर रेगुलर अगर अपने किसी क्लोज की अगर डेथ सुन रहे हो तो दिखती बात है यार, मन भी नहीं करेगा डे सेलिब्रेट करने का। बाकी ये मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो आपके साथ है ना उनकी मतलब कदर करो, और जितना उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना करो यार, और बस एज ए इन्फ्लुएंसर मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। बाकी देखते हैं आज का दिन बाकी कैसा निकलने वाला है, विशेस काफ़ी अच्छी आ रही है मुझे, और थैंक यू सो मच ऑल जिन्होंने मेरे को अभी तक विश किया है, कम से कम 20 स्टोरी में तो मेंशन हो चुका है तुम्हारा भाई, और बाकी लोगों ने भी मैसेज किए, वो किया, सब ने मैसेज किया, तो थैंक यू ऑल जो मेरे को मतलब विशेस वगैरह और अपनी ब्लेसिंग वगैरह दे रहे हैं। तो यार बस ऐसे अपना प्यार बनाए रखना और हमें ऐसे आगे लेके जाना। बाकी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो आपके साथ हैं ना और उनकी कदर करो, और उनके साथ जितना टाइम हो सके उतना स्पेंड करो, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी देखते हैं कैसा निकलता है आज का दिन। सो गाइस ये हमारा मंदिर है और यहाँ पर मैं माथा भी नहीं टेक सकता क्योंकि हमारे गांव में डेथ हुई हुई है, और 10-13 दिन तक मतलब जब तक वो शुद्धि नहीं हो जाती ना हमारी उसकी, तब तक माथा वगैरह कुछ नहीं टेकते हैं। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा बर्थडे मेरा कभी ना जाए आज के बाद, और सभी ठीक रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें अपने जीवन में, मतलब और कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऐसा मतलब कुछ टाइम की तो मतलब कोई सुनने को मिले ही ना, मैं तो बोलता सुनने को ही ना मिले ऐसी कोई बैड न्यूज़ वगैरह। तो फिलहाल खाना खाने चलते हैं और उसके बाद देखते हैं होता है क्या। तो गाइज यार लगभग शाम के बज चुके हैं 5:30, और तुम्हारे भाई का तुम्हें पता आज बर्थडे, और नॉर्मल जस्ट मेरा जो डे कटता है वो कट रहा है इस टाइम पे। तो यार बस यही बोलना चाहूँगा अपने ब्लॉग के ज़रिए आपको, मतलब बताना चाहूँगा कि मतलब मेरे दादाजी की डेथ हुई है, तो दिखती बात है यार कौन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, और ये टाइम कोई सेलिब्रेशन का होता नहीं है। मतलब बर्थडे तो यार मैं नेक्स्ट ईयर भी मना लूँगा, पर उनकी जो मतलब इस टाइम पे दिन होते हैं ना 10-13 दिन, वो बहुत ज़रूरी होते हैं इस आत्मा की शांति के लिए। तो यार मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ भी रहें अच्छे रहें और ठीक रहें, मतलब अब हमें नहीं पता वो कहाँ पर हैं इस टाइम पे, कैसे हैं, चलो यार हम क्या ही बोलें, मतलब यही तो ज़िंदगी का सच है कि मरने के बाद लोगों का पता नहीं लगता है वो कहाँ चले जाता है मतलब ऐसे। और बाकी 5:30 या 5:45 लगे होने इस टाइम पे शाम के, और मुझे कुछ नहीं पता कि आज कुछ हुआ ही नहीं, मतलब तुम्हारे भाई की ना मतलब एक बात बताता हूँ, हर साल बर्थडे पे पूजा करवाई जाती थी पर इस बार यार कुछ भी नहीं करवाया गया। और बस यार यही बोलना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि जो आपके साथ है ना यार उनकी कदर करें हमेशा, क्योंकि कोई भी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए और कब कोई कौन सी मिस हैपनिंग हो जाए, कभी कुछ भी हो सकती है यार, वो रियलिटी है लाइफ, रियलिटी है लाइफ की वो, कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा और भनक भी नहीं लगेगी थोड़ी सी। बाकी यार मैं तो मतलब 2 दिन से काफ़ी मतलब ऐसे सैड से चल रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन हो गए मेरे को रेगुलर डेथ सुनते हुए, जैसे पिछले कल हुआ मतलब 5 अगस्त को, तो पिछले कल तो दादाजी की मतलब आज 6 अगस्त है, तो मतलब 5 अगस्त को पिछले कल संस्कार हुआ, दह संस्कार, उससे पिछले दिन भी मैंने मतलब उनकी शाम के टाइम पे न्यूज़ सुन ली थी कि ऐसे ऐसे करके अक्षु के दादाजी को मतलब दादाजी को ऐसे कुछ हुआ है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो बस उसके बाद से तुम्हारा भाई बहुत मतलब ऐसे एकदम से शॉक हो गया, मतलब मैं शॉक हो गया कि यार ये क्या हो गया। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने नोटिस किया होगा जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज्वाइन है यार, बहुत से लोगों ने मेरे को मेंशन किया स्टोरी में, बहुत से कुछ ने किया, तो वो लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं भाई आप मेंशन बैक क्यों नहीं कर रहे, मतलब ऐड अपनी स्टोरी में ऐड क्यों नहीं कर रहे हमारे मेंशन किए हुए। मतलब मेरे को ना कुछ अंदर से इंटरनली फीलिंग नहीं आ रही, मतलब गाइस वो वाली कि मतलब मेरा बर्थडे है और मैं ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना, क्या पता बाकी लोगों के साथ हुआ हो पर उन्होंने नोटिस मतलब ज़्यादा वो ना किया हो, पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम था। तो यार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस टाइम पे, और बाकी आप देख सकते हैं यार मेरी हाल इस टाइम पे कैसे, सिंपल जैसे नॉर्मल घर में होते हैं वैसे, जैसे आप रहते हैं वैसे मैं रह रहा हूँ इस टाइम पे। और हाँ मैं आपको बता रहा था उस मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा, और बाकी मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब मैं छोटा हुआ करता था तब मेरे बुआ जी की डेथ हुई थी, पर मेरे को कुछ भी पता नहीं था उस टाइम, होश आवाज़ नहीं थी ना, अब तो प्रॉपरली होश वगैरह आ चुकी हुई है हमें कि कौन सी अच्छी बात है और कौन बुरी बात है, कौन सी जगह पर क्या करना और कौन सी जगह पर क्या नहीं करना है। तो मतलब मेरे को बस यही दुख हो रहा है कि मतलब ये इसी मंथ में होना था, और मतलब एक ही साथ हमारे जो मतलब बहुत ही क्लोज थे रिलेटिव और दादाजी और चाचा जी, मतलब दादाजी का तो चलो ये था कि बीमार थे थोड़े से,
और चले हुए थे थोड़े दिन बीमार। पर चाचा जी का था कि मतलब पिछले कल ना, मैं 5 अगस्त की आपको बात बताता हूँ, पिछले कल मतलब जैसे हमारे ना गांव में मतलब वो एक टाइप की मरी पड़ गई थी। मरी मतलब जैसे गांव में जो लोग मरते हैं फिर पूरे गांव मतलब एक टाइप का जैसे अपवित्र मतलब स्वच्छ नहीं होता है ना, ऐसे समझते हैं, ऐसे बोला जाता है, बाकी हमें भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। और ऐसे हो गया था तो उसके बाद मतलब एकदम ही गाइज वो पूजा बता रहे थे, मतलब पूजा मतलब पुजारी यहीं कहीं बाहर से आए थे, क्योंकि हमारी साइड से जब कोई किसी बंदे की डेथ होती है तो उसी के गांव वाले जो हैं वो पूजा नहीं करते हैं। तो इस टाइप में ऐसा हुआ कि वो उनको पूजा बता रहे थे रात को और कैसे मतलब क्या करना चाहिए, मतलब क्योंकि बाहर के लोगों को क्या पता कि 84 की पूजा कैसी होती है, बाहर के तो नहीं है तो ब्राह्मण ही आपको पता है मनीमेश जो जाते हैं हड़सर, हड़सर की पुजारी बुलाए जाते हैं जब यहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग वगैरह होती है। तो यार वो उनको बता रहे थे मतलब कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, और एकदम से उनको पता नहीं क्या हो गया और रात को शाम को मेरे को भी मिले थे गाइज, वो मेरे को मिले थे 84 टेम्पल, मैंने उनसे बात की थी ऐसे, मेरे को पता क्या करके बोलते थे, गोने गोने करके बोलते थे, मतलब मेरा नाम जो निकनेम है वो गोनू है और मेरे को ऐसे गोने गोने करके बोलते थे। तो हमें क्या पता था यार कि मतलब इतने टाइम में इतना कुछ हो जाएगा जो हमारे लिए मतलब एक बहुत ही शॉक वाली चीज़ होगी। पर दादाजी का यह था कि दादाजी यार बीमार थे तो हम मेंटली प्रिपेयर थे कि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मतलब हमें होप थी कि हमें, हम तो चाहते थे कि यार वो जल्दी जल्दी अच्छे होके घर वापस आ जाए, वो हॉस्पिटल चंबा गए हुए थे। बाकी इनका तो चलो लग गया पता, तो ज़्यादा मतलब बुरा तो यार उनका भी बहुत ज़्यादा लगा, हद से ज़्यादा बुरा लगा, पर एक ये था मेंटली प्रिपेयर थे कि यार वो भी दुख में थे और चलो जो हुआ अच्छा हुआ, पर बुरा हुआ मतलब अच्छा बुरा जो भी बोल लो यार, पर दुख तो है ना इस बात का। पर चाचा जी की यार एकदम ही सुबह 4 बजे डेथ हो गई, 4:30 के बीच में। और बस यही बोलना चाहूँगा, आज का बर्थडे मेरे लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था स्पेशल तो क्या ही बोलूँ, पर कुछ भी नहीं था, पूजा वगैरह भी कुछ नहीं करवाई। अब देखते हैं क्या बनने वाला है थोड़े टाइम में। एंड आई होप ये ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा और थोड़ा मोटिवेट होना यार इस ब्लॉग के ज़रिए, क्योंकि देखो ना हर किसी की लाइफ का कुछ भी पता नहीं होता है कब क्या हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आए हो चैनल पर नए तो चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी यार होप करता हूँ आपको मेरी मतलब थोड़ी बातें ठीक लगी होंगी। अगर आपके, मैं अभी भी लास्ट टाइम आपको यही बोलना चाहूँगा, जो आपके साथ है यार उनकी कदर करो, उनके साथ जितना हो सके इतना टाइम स्पेंड करो, तो जाके आपको एक अच्छी वीडियो मिलेंगे एक अच्छे एनर्जेटिक मूड के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड केयर करो यार अपने जो भी आपके साथ रह रहे हैं ना उनकी। बाय बाय दोस्तों।